कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी महासचिव नियुक्त किया है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी बहन जो बहुत कर्मठ है अब मेरे साथ काम करेगी। वहीं सिंधिया भी युवा नेता हैं। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। गौरतलब है कि 47 वर्षीय प्रियंका 1999 से हर लोकसभा चुनाव में प्रचार करती रही हैं। वे भाई राहुल के लिए अमेठी में और मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में रैलियां करती हैं। लेकिन पार्टी में उन्हें पहली बार कोई पद दिया गया है। पिछले कई सालों से प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की कांग्रेस के नेता मांग करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, दिल्ली।